ये बहुत शर्म की बात है कि जिस इंसान का नाम शत्रुघ्न हो, श्री राम के भाई का नाम था, जिसके घर का नाम रामायण हो, जिसके बेटों का नाम लवकुश हो, जिसकी पत्नी का नाम पूनम हो, उस व्यक्ति की बेटी एक गैर धर्म के लड़के से शादी कर रही है, ये बहुत शर्म की बात है। शायद इसीलिए इनकी माँ ने और इनका जो भाई पॉलिटिक्स में है लव सिन्हा और इनकी माँ पूनम सिन्हा, उन्होंने आज इन्हें सोशल मीडिया से भी अनफॉलो कर दिया। सोनाक्षी सिन्हा के पास में पैसा है, नाम, शोहरत सब कुछ है, बेशक उसके साथ में कुछ गलत ना हो, लेकिन ये जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है इसी को देख के अगर कोई और लड़की सेम फैसला ले ले और उसके साथ में लव जिहाद हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? जिस समुदाय के लोग शादी अब कभी बहन से कर रहे हैं, कभी मामा की बेटी से कर रहे हैं, कभी बुआ की बेटी से कर रहे हैं, चार चार शादी बताना चाहते हैं उन अनभक्तों से जो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से उनके गान में जो है मिर्ची लग गई। अरे भाई, शादी करने वाला तो शादी कर लिया, अब हमें या किसी और को गान में मिर्ची लग रहा है तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का माँ बाप राजी है, सोनाक्षी सिन्हा राजी है। अब बोलने वाले और कहने वाले बोल रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल में क्या चीज देख ली है कि जहीर इकबाल के पर फिदा हो गई और जहीर इकबाल से अपना शादी रचाई, सात फेरा छोड़ के कबूल है कबूल है कबूल है बोलना पड़ा। आखिर इसका सच्चाई क्या है? अरे सच्चाई कुछ भी हो भाई, मेरे नजर में तो भाई मोहब्बत सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे यूट्यूबर लोग बोल रहे हैं कि जहीर इकबाल का जो लेवल है यहाँ है और सोनाक्षी सिन्हा का जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल है, कहाँ 30 मिलियन और कहाँ 2 लाख, मेरे पेज पे तो 2 लाख व्यूज आ जाता है। अरे भाई ये बिल का मामला है, ठीक है, यहाँ मिलियन कुछ नहीं होने वाला है मिलियन से, ठीक है, क्योंकि जिसके दिल में मोहब्बत बसता है ना वो पूरा दुनिया को टुकड़ा कर अपना मोहब्बत को कबूल कर लेता है। इसलिए सोनाक्षी सिन्हा सात फेरा छोड़कर कबूल है कबूल है कबूल है की है जहीर इकबाल को वो अपना सच्चा प्रेमी और सच्चा आशिक और सच्चा दिल से शौहर मानती है, इसलिए जहीर इकबाल से वो शादी की। उन लोग में क्या डिस्कस हुआ है नहीं हुआ है, वो लोग तो कोर्ट में जाकर अपना शादी किया है ना, जो शादी करना है कर लिया, अब खुश रहने तो उन लोगों को। अरे हर इंसान का खुशी है भाई, जहीर इकबाल को क्या दहेज मिला है नहीं मिला है, अबे चुतिया इंसान, किसी को क्या मिला है नहीं मिला है उससे क्या दिक्कत है तुमको। इसलिए आज के दौर में हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हम लोग किसी के खुशी के बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि फलानवा के पास बहुत सारा दौलत आ गया, बहुत सारा खुशी हो गया तो साले के रूप को पैरों पकड़ के खींच देते हैं। ये सब कब तक चलेगा भाई? अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर हौसला है, तुम्हारे अंदर एक लगन है कि हमें ये करना है, सबसे हटकर कुछ करके दिखाना है, तो वो करो ना, तुम दूसरे तीसरे का पैर क्यों खींच रहे हो? कि जहीर इकबाल से सोनाक्षी सिन्हा शादी की है तो क्या अपना सोनाक्षी सिन्हा जो टाइटल है सिन्हा वो हटाकर इकबाल रखेगी, जहीर इकबाल रखेगी? वो अपना टाइटल चाहे जहीर इकबाल रखे या सोनाक्षी इकबाल रखे, क्यों आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? ना सोनाक्षी सिन्हा आप लोग को खाने के देती है, ना जहीर इकबाल आप लोग को खाने के देते हैं, ना आप लोग सोनाक्षी सिन्हा ना ही जहीर इकबाल को खाने को देते हैं, फिर भी आप लोग के अंदर पता ना क्या चीज का घमंड है। सलमान खान को इसमें खींचा जा रहा है, कहला जो मोदी आया था सलमान खान तो उसमें सोनाक्षी सिन्हा आई थी, और जहीर इकबाल के जीवन में भी सबसे पहला इंसान सलमान खान ही आया था। भाई सलमान खान हीरो है, सबके दिल पे राज करना चाहता है सलमान खान, ठीक है, और सबका भाई और सबका भाई जान है, ठीक है, सलमान खान किसी का बुरा ही नहीं सोचता है, ठीक है, सलमान खान सबका हेल्प करता है, जाके देखो मुंबई में और न जाने कहाँ कहाँ जाके देखो अनाथ आश्रम में सलमान खान कितने लड़का को कितने लड़की को, अनाथ लड़का लड़की जिसको बोलने का ढंग नहीं है जिसको चलने का ढंग नहीं है, उस लड़का लड़की को उस परिवार को अपना परिवार बना के सलमान खान रखता है, ठीक है, उनका सारा खर्चा सलमान खान उठाता है। अगर तुम्हारे भी गांव में इतना भांस है, तुम्हारे भी अंदर इतना औकात है तो 10 लड़का गोद लेकर दिखा दो, 10 लड़का का खर्चा चला दो, तुम लोगों से तो अपना माँ बाप का खर्चा नहीं चलता है तो तुम लोग भला किसी और का खर्चा कैसे चलाओगे, और चलते हो दूसरे किसी का बुराई करने। अरे तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है,
भाई लोग जितना आदमी चल रहा है ना, जितना आदमी चल रहा है सोनाक्षी सिन्हा के शादी से और जहीर इकबाल के शादी से, उतना से ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। जो जितना चल रहा है उतना चलाइए उसको शेयर करके, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले एपिसोड में। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय।